हेलो भिवार्स वेलकम टू माई चैनल यूजफुल टिप्स बांगलाते आमी मौलुमी चलुन शुरू करा जाक आजकेर भिडियो और देखे नीन आजकेर भिडियोटा कतटा यूजफुल है आपनादेर जोन्नो। और हाँ, आमार एई चैनल यूजफुल टिप्स बांगलाके जोदि एखोनो पर्यन्तो सबस्क्राइब ना करे थाकेन ताहले अवश्य करे सबस्क्राइब करुन एबं सबस्क्राइब बाटनेर पाशे नोटिफिकेशन बेल आइकनटिते क्लिक करे देबेन जाते आमार परेर नतुन भिडियोगुलो आपनादेर काछे नोटिफिकेशनेर माध्यमे सबार आगे पौंछे जेते पारे। नतून भिडियोते आपनादेर साथे शेयर करब शीतकाले खुश्की हवाके किभाबे आटकाबेन। शीतकाले सबचेये बड़ समस्या हलो एई समय चुले प्रचंड खुश्की हय। केउ दूर थेके देखे किछु बुझते ना पारलेओ एकटू काछे गेलेई बोझा जाय चुले रयेछे भर्ती छोटो छोटो सादा खुश्की, जेटा देखते खूबई बाजे लागे। एई खुश्किर समस्या किन्तु शीतकाले कम बेशी सकलेरई हये थाके। खुश्की हलो माथार त्वकेर शुकनो मितकोष। स्वाभाविक नियमे एई मितकोष सबार माथातेई थाके, किन्तु सेटा चोखे पड़ार आगेई छड़े जाय। शीतकाले शुष्क आबहावार जोन्नो एई मितकोष एतो बेड़े जाय जार जोन्नो माथाय चुलकानी शुरू हये जाय। आर चुलकाते गिये आरो एई माथार मितकोष अर्थात खुश्की बेरिये आसते शुरू करे। एई माथार खुश्की हवा थेके किभाबे मुक्ति पाबेन तार जोनो बेश कयेकटा टिप्स शेयर करछि आपनादेर साथे। टिप्स नम्बर 1, खुश्की दूर करते व्यवहार करुन भिनिगार। भिनिगार माथार शुष्क त्वकेर अर्थात खुश्की थेके सेखाने हवा चुलकानिके रोध करते दारुण काज देय। आर एई भिनिगार आमादेर सबारकारि बाड़िर आशेपाशेर ग्रोसारिर दोकाने खूब सहजेई पावा जाय। आर एर दामो खूब एकटा बेशी ना। एबार जेने नीन किभाबे एई भिनिगारके खुश्किर जोन्नो यूज करबेन। प्रथमे निये नीन हाफ कप भिनिगार, ताते 2 চাमच प्लेन जल मिशिए एकटा कटन बलेर साहाज्ये आपनि आपनार माथार शुधुमात्र त्वके माने स्क्याल्पे खूब भालो करे लागिए निन। एई भिनिगार लागानो हये जाओयार पर ओयेट करुन 30 মিনিट। जोदि आपनार समय थाके ताहले 1 ঘন্টাও ওয়েট करते पारेन। एरपर आपनी आपनार पछंद अनुयायी शैम्पू दिए चुल धुए निन। एटा सप्ताहे 2 দিন करे करले एर फल सबथेके भालो पाबेन। टिप्स नम्बर 2, खुश्की दूर करते व्यवहार करुन पातिलेबू एबं नारकेल तेलके। खुश्की दूर करते पातिलेबूर रस एबं नारकेल तेल कतटा भालो आर किभाबे लागाबेन सेटा जेने निन। एकटा बाटिते एकटा गोटा पातिलेबूर रसेर साथे 2 চাमच नारकेल तेलके मिशिए पुरो माथार स्क्याल्पे आंगुल दिए लागिए मसाज करुन। एरपर 1/2 ঘন্টা बा तारो बेशी राखते पारेन। आबार राते शोबार आगे लागिएओ सकाले शैम्पू दिए चुल धुए निते पारेन। आपनारा चाइले एटा माथार स्क्याल्पेर साथे साथे गोटा चुलेओ लागाते पारेन। सेई क्षेत्रे पातिलेबुर रस और नारकेल तेलेर परिमाण आपनार चुलेर लेंथ अनुयायी निये नेबेन। एते आपनार चुल सफ्ट सिल्की एबं शाइनी हबे। एई मिश्रणटा शीतकाले सप्ताहे अंतत 1 থেকে 2 দিন व्यवहार करुन। टिप्स नम्बर 3, खुश्की दूर करते व्यवहार करुन অ্যালোভেরা एबं ভিটামিন ই ক্যাপসুলকে। মাথার খুশকি দূর করতে নিয়ে নিন 3 চামচ অ্যালোভেরা জেল আর 2টো ভিটামিন ই ক্যাপসুলের ভেতরে থাকা অয়েল। এই দুটোকে ভালো করে মিশিয়ে পুরো মাথার স্ক্যাল্পে লাগিয়ে 10 মিনিট মতো ম্যাসাজ করুন। ম্যাসাজ হয়ে গেলে 1 ঘন্টা ওয়েট করে আপনার পছন্দ অনুযায়ী শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। চাইলে পুরো চুলও লাগাতে পারেন, কারণ শীতকালে চুলও কিন্তু খুব ড্রাই হয়ে যায়। সেই ড্রাই ভাব কাটাতে এই অ্যালোভেরা এবং ভিটামিন ই ক্যাপসুলের মিশ্রণ খুবই ভালো। সেই ক্ষেত্রে আপনার চুলের লেন্থ অনুযায়ী এই মিশ্রণের পরিমাণ বানিয়ে নেবেন। এটা সপ্তাহে নিয়ম করে 1 দিন করে লাগান পুরো শীতকালে। দেখবেন আপনার শীতকালে খুশকির সমস্যা, চুলের ড্রাই ভাব সমস্ত কিছুই চলে গেছে। টিপস নাম্বার 4, খুশকি দূর করতে ব্যবহার করুন দই এবং মেথি পেস্টের হেয়ার প্যাক। এই দই এবং মেথি পেস্টের হেয়ার প্যাক শীতকালে চুলের জন্য দারুণ কাজ দেয়। এর জন্য নিয়ে নিন চুলের লেন্থ অনুযায়ী সমপরিমাণ দই এবং মেথি পেস্ট। এই মেথি পেস্ট বানানোর জন্য এই হেয়ার প্যাক লাগাবার আগের দিন মেথিকে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন সেই ভেজানো মেথিকে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। এইভাবে তৈরি হয়ে যাবে আপনার হেয়ার প্যাকের জন্য মেথি পেস্ট। এরপর आगे जेभाबे बोललाम माने समपरिमाण दई और मेथी पेस्ट के मिशिए एक हेयर पैक बनिए आपनार माथार स्कैल्प थेके चुलेर शेष अब्दि लागिए एक घंटार जोन्नो वेट करुन। एरपर शैम्पू दिए चुल धुए निन। एटा सप्ताहे एक दिन करे अवश्य करुन। एखाने जे चारटे टिप्स दिलाम खुश्की दूर करार जोन्नो एर मध्य आपनि आपनार पछंद अनुयायी जे कोनो एकटा टिप्स आपनार सुविधा मतो फलो करते पारेन सारा शीतकाले। আজ তাহলে এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা কোনো কাজে লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। টাটা।